आपकी स्कूल स्कूल है उसकी पूरी सुविधा करवानी, बच्चे जो है अच्छे से पढ़ाई उनकी हो, टीचर अच्छे से आए, स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, यही सब उनका सोच है, ये उनका काम है। ये भाजपा सरकार में तो मास्टर स्कूलों में, हर स्कूलों में देखोगे टेबल में पेपर देखते बैठे हैं, मोबाइल खोलते बैठे हैं। गवर्नमेंट के काम आ, तीन दिन बाद ऐसा हो हमारी गाड़ी के चक्का घुस गया, बताइए ना ही नाली है बनाई अभी तो अभी इनने काम करवाया था इस पे और तीन दिन में यह हालत थी। और कहन के एक बनवाई भैया, तो कहन के भैया अब ना बनी अपने से बनवावा और यहाँ से इंदौर भेज देंगे, 5,000 का कमरा लेंगे, खाना बनाने के लिए एक कर्मचारी रखेंगे, इसी को कमाऊ है, 2,000 रुपए बचेंगे, 2,000 रुपए में वहाँ से यहाँ तक किराया हो जाएगा, यही सीखो कमाऊ है। कुछ भी हो हम लोग ओपन है भाई, हम लोग बीजेपी के ही है, अब बीजेपी जो भी चलाया बहुत कुछ किया क्या पिछले 2 पंचवर्षीय से यहाँ पे बीजेपी के कार्यकाल है, तो उन्होंने क्या विकास कार्य किया आप बताएंगे? जो किया बहुत अच्छा किया, एक एक गिनाने के घर घर तो जा नहीं सकते ना, मतलब आप कुछ मुद्दे बताइए जिन पर उन्होंने अच्छा काम किया। अरे मेरे हिसाब से सब कुछ किया। नमस्कार, आज हम आए हैं गुड़ विधानसभा क्षेत्र के एक तहसील रायपुर कछुलियान में, बात करेंगे आम जनता से, जानते हैं रायपुर कछुलियान के मन में क्या है, तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह कछुली है। आपके यहाँ पे क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं? इस क्षेत्र में पूरी समस्याएं हैं, न पानी आ रहा है, न शिक्षा की व्यवस्था है, अभी स्कूल है तो पड़ा हुआ है ऐसे, न खेल का मैदान है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था हो पा रही है, और यहाँ तो विधायक का सबका तानाशाही कार्यक्रम है। पिछले 2 पंचवर्षीय से आपके यहाँ भाजपा सरकार है, तो उनने क्या अपने कार्यकाल में क्या विकास कार्य किए? विकास कार्य यहाँ कुछ नहीं है, रायपुर कछुलियान में हमको कोई विकास कार्य दिखाई नहीं दे रहा। अभी आपकी नाली बनी है, आप देख लीजिए सामने खड़े है, ये नाली सब ऐसी बनी है कि लगता है कि कोई पैर रखेगा तो उसे पूरा पैर चला जाएगा, यही सब विकास दिखाई दे रहा है। सब गोमती वाले परेशान हैं बेचारे, इनकी गोमती तोड़ फोड़ के सब हटा देते हैं, दूसरे दिन फिर दूसरी पार्टी आती है तो बोलते हैं कि हाँ बाद में देखा जाएगा, यही विकास है, बेचारे गरीब परेशान है यहाँ रायपुर कछुलियान में। तो आपका पूरा विचार इस बार सत्ता बदलने? इस बार सत्ता बदलना ही है, हमारे गुड़ विधानसभा से कपिध्वज सिंह भैया साहब पूरी ताकत के साथ यहाँ विधायक बनेंगे। अच्छा, कपिध्वज जी को आप इस बार मौका देंगे? हाँ मौका देंगे। अच्छा, क्या क्या आकांक्षाएं हैं आपकी कपिध्वज जी से? आकांक्षाएं पूरी है, वो नवयुवक हैं, अच्छा काम है, गरीबों की मदद करते हैं, कोई जाता है बिना पद में रहते हुए पूरा काम करते हैं, और पूरी कन्याओं का विवाह करते हैं अपने निजी पैसे से, यही सब विकास है। तो मतलब 2 पंचवर्षीय में जब जैसे भाजपा सरकार बनी, तो सरकार बनने के बाद क्या विधायक जी या फिर उनका कोई कार्यकर्ता आपसे मिलने आया? बताइए ना आप। कोई नहीं। मतलब सरकार बनने के बाद कोई कार्यकर्ता कभी मिलने नहीं आया? कोई नहीं। नागेंद्र सिंह विधायक कभी नहीं आए, 18 साल बीत गया फिर भी नहीं आए। ठीक है, तो अभी आपके कांग्रेस के जो है कपिध्वज जी, तो उनके चुनावी मुद्दे क्या क्या हैं? उनके चुनावी मुद्दे हैं कि हमको बेरोजगारों को यहाँ रोजगार दिलाना है, किसान जो परेशान है मवेशियों से आयरा प्रथा जो है इसको बंद करवाना है, और जो आपकी स्कूल स्कूल है उसकी पूरी सुविधा करवानी, बच्चे जो है अच्छे से पढ़ाई उनकी हो, टीचर अच्छे से आए, स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, यही सब उनका सोच है, ये उनका काम है। ये भाजपा सरकार में तो मास्टर स्कूलों में, हर स्कूलों में देखोगे टेबल में पेपर देखते बैठे हैं, मोबाइल खोलते बैठे हैं, शिक्षा सड़क बिजली स्कूल सब का वो व्यवस्था करेंगे, ये हमारा है। हम कपिध्वज सिंह जीत गए, ये पढ़ा रहे हैं तो आप विधानसभा हमारा अच्छा काम देख, मतलब प्रशासनिक सेवा आपको यहाँ पे अच्छी नहीं लगी? नहीं, कोई सेवा नहीं है यहाँ प्रशासन, हर सेवा सुविधा सब खत्म यहाँ, 18 साल का विधायक यहाँ बैठे हैं, वही राज शासन सत्ता कर रहे हैं, एक दिन नहीं कि कोई मर रहा कि कोई जी रहा कि तो क्या सुविधा, कोई नहीं, रोज हटाओ गोमती, रोज हटाओ ठेला, यहाँ कोई नहीं है, हैं ये इस तरीके से यहाँ नाटक चल रहा है। ठीक है, आपका जो जिला लगता है रीवा, उससे आपकी कनेक्टिविटी कैसी है अभी? कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है, अपने यहाँ की दुर्दशा बिल्कुल खराब है, ये नालियाँ बनी हो लोगे 3 दिन के अंदर,
या स्थिति ये गवर्नमेंट के काम आ। तीन दिन में ऐसा हो लो गया हमारी गाड़ी की चक्का घुस गया, बताइए नई नाली या बनाई भ्रष्टाचार ही हम अपने को बताई। अभी आपकी उम्मीद है किससे? अब उम्मीद का है, हम तो चाहिए कि भाई अब सत्ता परिवर्तन जो काबिल हो वो आवे। अब हम कहा बताई भाजपा की उम्मीद, हम तीन पंचवर्षीय देख चुके हैं, 15 साल से हालत खराब है। गुड़ विधानसभा के आज तक अधिकारी कबू झकई नहीं आए, विधायक कबू अगुआ नहीं भे रायपुर में, यह हालत ही गोमती नाला सब हटा देंगे, तोड़ देंगे, गिरा देंगे, हर घर ऐसा गिरा इन था भगवान कसम लाग रहा के आदमी मर जाये। यह हालत पर रहा है नहीं देखे रहे अपना पंछी है, एठे आदमी नहीं रहे, यह पूरी बिल्डिंग ऐसा धराशाही कई दिन का कुछ कहा लायक नहीं है, सब गोमती ठेला वाले के बेघर कई दिन बेचारे कहाँ जाए कहाँ क्या करें। तो आने वाली सरकार से आपकी क्या क्या उम्मीद है? उम्मीद बहुत कुछ है कि आने वाली सरकार जो कुछ हुई थे इधर की कुछ करी, यह उम्मीद है। पर आवाज आप देखी का होत है, अभी हम आगे का कही केकर सरकार बने वाली, अभी तो बने के बाद पता चली। पर आदमी भाजपा की सरकार से खुशी नहीं आए, यह चीज कहा। तो मतलब इस बार जनता जाग चुकी है, जनता परिवर्तन चाहती है? जनता बिल्कुल परिवर्तन चाहती। आप व्यापारी हैं? हाँ व्यापारी हैं भाई, हम चाहिए कि परिवर्तन हो, सत्ता परिवर्तन हो चाहिए और हो ही चाहिए, उम्मीद तो है। व्यापारी होने के नाते आपको क्या क्या समस्याएं लगती हैं? समस्याएं हैं भाई, अब हम कहाँ कहेंगे, न आदमी के पास समस्या यह है, न नाली है, न नर्दा है, न इटे हैंड पंप है, न पानी है, रोडो बनवाई थी यमे को बताइए, व्यापार की दुकान आई यमे के लगाए रहे आदमी ढोंस के फेंक दी ना थाने के द्वार हम जाके पड़ा जाए। सरकार की अगर अभी की योजनाएं देखी जाए तो सरकार व्यापारियों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है। वह सब काहे के लाने आए, काहे के लाने, कौनो योजना नहीं, बैंक में लोन ले जाए तो वहाँ बैंक मैनेजर भगा देते सीढ़िया के नीचे, यूनियन बैंक के दशा अपना जाके देखिए यह हालत ही। हाँ एक बैंक में लोनो भर ले जाए लाख रुपया के तो 20,000 दिन मांगे थे घोस मांगे थे, यह हालत ही काहे के व्यापारी हम पद के मार डाली जिंदा, न राशन कार्ड मिला ना कुछ मिला ना कुछ, आज तक दिन कौनो लाभ मिला व्यापारी का बताई, सामान नंबर मरीगा। आपके क्षेत्र में शिक्षा का क्या हाल है? शिक्षा के हाल हो के ठीक है, जो कुछ है तो भगवान के दया से सब शिक्षित है, लड़का बच्चा ठीक है, स्कूल सब बढ़िया है, लेकिन रोजगार नहीं मिला आज तक, कहाँ रोजगार के नाम पर जीरो है। अभी तो शिवराज सिंह जी की एक स्कीम आई है सीखो कमाओ योजना, वो कहा है भैया कहाँ स्कीम, यानी कहाँ स्कीम कहाँ है, जहाँ जाए तहाँ कहाँ थे 20,000 दे हमका घोस, काहे के स्कीम लेबे ₹10,000 देंगे और यहाँ से इंदौर भेज देंगे, 5,000 का कमरा लेंगे, खाना बनाने के लिए एक कर्मचारी रखेंगे, इसी को कमाओ है, ₹2,000 बचेंगे, ₹2,000 में वहाँ से यहाँ तक का किराया हो जाएगा, यही सीखो कमाओ है। ठीक है, और लाडली बहना योजना चल रही है आपकी महिलाओं को? योजना तो जानते हैं कि ये 15 साल से सरकार 18 साल से है तो अभी तक नहीं दी, ये 2 महीने के लिए वही योजना है, 1500 घोषित कर दिया तब ये लाडली बहना योजना लागू करी, ये क्या है चुनावी लालच नहीं तो क्या? बात करते हैं महिलाओं से, जानना चाहेंगे इनके मन में क्या है, आप बताओगे अपने मन का? कुछ भी हो हम लोग ओपन हैं भाई, हम लोग बीजेपी के ही हैं। आप बीजेपी से? हाँ, जो भी चलाया बहुत कुछ किया। क्या पिछले 2 पंचवर्षीय से यहाँ पे बीजेपी का कार्यकाल है, तो उन्होंने क्या विकास कार्य किया आप बताएंगे? जो किया बहुत अच्छा किया, वो एक एक गिनाने के घर घर तो जा नहीं सकते ना, ये मतलब आप कुछ मुद्दे बताइए जिन पर उन्होंने अच्छा काम किया हो। अरे मेरे हिसाब से सब कुछ किया, जितने भी किया उसने। ठीक है, तो बीजेपी के विरोधियों के साथ कुछ बीजेपी के समर्थक भी मिले हमें, तो ये रहा हमारा आज का दौरा, हमने जानना चाहा कि लोगों के मन में क्या है, लोगों ने बताया कि पानी की समस्या है, नालियों की समस्या है, आवागमन की समस्या है, यातायात यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं है, और रोज़गार, शिक्षा, ये सब कुछ आम समस्याएं लोगों के बीच में देखने को मिली। चलेंगे कहीं और, मिलेंगे किसी और लोगों से, जानना चाहेंगे लोगों के मन में क्या है। धन्यवाद। कैमरामैन अनुपम अनूप के साथ मैं सुधांशु तिवारी, बने रहिए द खबरदार न्यूज़ के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।